नमस्कार मित्र, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम आलोक पर। आपने यदि हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे विषय पर आपको बता चुके हैं और बहुत सारे विषय पर हम आपको बताते रहेंगे। मित्रों, एक बात का हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि आप हमसे पूछ क्या, आप मांगते क्या। यदि आपका कोई अनुरोध है तो हम उस पर काम करते हैं। यदि हमें सटीक उसका उपाय मिलता है तो बताते हैं, नहीं मिलता तो भी हम आपको बता देते हैं कि इसका उपाय हमें नहीं मिल पा रहा। तो दोनों स्थितियों में आपको हम बताते हैं। मित्रों, बहुत सारे जानवरों के मैंने टोटके बताए थे, तो अभी मेरे दर्शकों ने फिर से डिमांड करी है कि कुछ आप बताएं और जानवरों पक्षियों के बारे में। अच्छा लगा उन्हें, नया विषय है, अलग सा है, आपको पता भी लगता है कि ज्ञान का एक पहलू ये भी है, ये पक्षी या ये पशु ये इशारा भी करते हैं। तो चलिए आज आपको मैं बताता हूँ वो दो पक्षी जो हमारे घर के आसपास अक्सर दिख जाते हैं। गौरैया, गौरैयाओं के लिए इस गर्मी में पानी रखना मत भूलिएगा। कोई भी चिड़िया आगे पी सकती है लेकिन पानी रखिए घर के बाहर। तो गौरैया का क्या है, गौरैया के संकेत क्या है? यदि दिन के पहले प्रहर में आपको गौरैया, जहां आप खड़े हैं वहां से पूर्व दिशा में गौरैया की चींची सुनाई पड़े तो ये मानिए ये बहुत शुभ माना जाता है। यदि दिन के चौथे पहर में दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको गौरैया का स्वर सुनाई दे तो ये संकेत होता है पुत्र रत्न की प्राप्ति का। ये गौरैया के दो छोटे संकेत थे। इसी प्रकार से संकेत नीलकंठ के भी होते हैं। नीलकंठ के संकेत क्या होते हैं, घर से आप निकल रहे हैं और नीलकंठ आपके सामने पड़ जाए तो वो बड़ा शुभ है। लेकिन इसमें एक दूसरी चीज भी है, नीलकंठ चुप रहे, बोलना नहीं चाहिए। यदि वो बोल रहा है, बोलता वो सुनाई पड़ जाए तो वो शुभ नहीं है। यदि वो बैठा है आपके सामने, बोलता कुछ नहीं है, मूक रहता है तो वो आपके लिए शुभ है। यदि वो बोल पड़ा तो फिर समझिए आप जिस काम से आ रहे हैं उसमें कुछ रुकावटें आएंगी। घर से निकलते समय यदि आपके दाएं हाथ में नीलकंठ पड़ जाए, फिर वो बोल रहा हो चुप हो उससे कोई फर्क नहीं, वो आपके लिए बहुत शुभ होता है। तो ये दो छोटे पक्षियों के टोटके थे जो हमारे आसपास दिखते हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं आपका काम बनने वाला नहीं बनने वाला, क्या होने वाला। इसी प्रकार से कुछ ना कुछ आपको बताते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे। आप भी बताइए, डिमांड करिए, हम आपकी डिमांड पूरी करने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। यदि हमारे ज्ञान के खजाने में कोश में कुछ होगा तो आपको अवश्य देंगे। और फिर इसी चैनल लोमालोक पर मिलेंगे। नमस्कार।